नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ और हमारे साथ है रमिता तनेजा मैम, जो कि सनसन सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट हैं। पहले मैम के बारे में थोड़ा जानेंगे। थैंक यू सो मच। 10 न्यूज़ इज़ ऑलवेज गुड, हमेशा लोगों को आगे बढ़कर उनके बारे में बताने की कोशिश करता है। मेरा नाम रमिता तनेजा है, मैं सनशाइन सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सनशाइन सोसाइटी इज़ एन NGO, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। वो बच्चे जो स्कूल जाना चाहते हैं पर अपनी आर्थिक स्थिति या किसी और वजह से स्कूल नहीं जा पाते, तो हमारे साथ इस समय करीबन 600 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। हम घर घर रद्दी इकट्ठी करते थे और उससे जो पैसा आता था उससे हम लोग अपनी बच्चों की पढ़ाई करवाते थे। लेकिन आज हम थोड़े बड़े हो गए हैं, 8 साल पुराने हो गए हैं। हमारे साथ बहुत सारे अच्छे लोग जुड़ चुके हैं जो हमारे स्पॉन्सर्स बने हैं, कंपनीज़ हैं जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो अब हमारे साथ जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे ITI कर रहे हैं। तो बस यही करती है हमारी संस्था कि हमारा ये मकसद है कि साक्षरता आ जाए, और हमारे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैम, आपने काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे और काफ़ी सारे आपको अचीवमेंट्स भी मिली होंगी इस बीच, आपके कार्य के बीच में, तो आप में कोई भी एक्सपीरियंस बताना चाहेंगी? चैलेंजेस तो ऑब्वियसली आएंगी आएंगी। जहां आप कुछ करना अच्छा चाहो तो 100 लोग आपको ऊपर धक्का देंगे लेकिन 300 आपको नीचे पुल करेंगे, तो चैलेंजेस तो हमेशा रहे हैं। और हमारे मेजर चैलेंजेस होते हैं स्पॉन्सर्स को लेना, क्योंकि मैं ये बोलना तो नहीं चाहूँगी लेकिन NGOs का नाम ख़राब है। लोग समझते हैं कि NGO मतलब पैसा बनाने की मशीन, जबकि ऐसा नहीं होता। यू कांट मेजर एवरीबडी विद द सेम यार्ड स्टिक। तो हम लोग को ये चैलेंजेस बहुत रहे हैं, हमें अपनी पूरी जो हमारी कंप्लीट ऑथेंटिसिटी है उसको प्रूव करने के लिए टाइम लगा। लेकिन एक बार जब हमारे साथ लोग जुड़ने लगे, हमारा नाम होने लगा, तो लोगों को समझ आया कि NGO का मतलब पैसा बनाना नहीं होता। NGO एक्सपीरियंसेस अच्छे तो यही रहे कि हमारे बच्चे आज इंजीनियर बन गए हैं, टीचर्स बन गए हैं। आज वो बच्चे जो हमारे साथ पढ़कर आगे गए हैं वही आगे और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ITI कर रहे हैं, कंपनीज में जुड़ गए हैं। लेकिन आज भी वो हमारे पास आते हैं कि मैम हमें बताओ हमें आगे और बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो हमारे लिए आई थिंक ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि एक बच्चा जो खुद गांव से निकलकर खुद बहुत सारे चैलेंजेस फेस करके हमारे साथ पढ़ने आया, आज वो बच्चा आगे 50 लोगों को या 100 लोगों को और पढ़ा रहा है। ओके मैम, सनशाइन सोसाइटी का और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रोज़ नया स्टेप होता है। हमारा स्टेप पहला तो यही था कि हम बच्चों को बेसिक एजुकेशन दें। फिर हमने देखा कि सिर्फ एजुकेशन से नहीं चलता है, क्योंकि बच्चों के पास कई बार टीचर्स नहीं होती अच्छी स्कूल में, या उनके पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाते। तो हमारा अगला मकसद हुआ कि हम उनको आफ्टर स्कूल क्लासेस दें। हमने बच्चों को ट्यूशन क्लासेस जिसको कहते हैं वो करनी शुरू करी। फिर हमने देखा बहुत सारे बच्चों के पास बहुत कैलिबर है, मतलब 80% 90% वो लोग लेके आते हैं। तो हमने एक्सीलेंस सेंटर शुरू करना शुरू किया। अब हमारे वहाँ पे एक्सीलेंस सेंटर में करीबन 40 बच्चे हैं जो 80% अबव लेते हैं, और हम उनको बहुत अच्छी मैथ, साइंस, इंग्लिश कराते हैं, एंड वी मेक देम फ्यूचर रेडी। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ट्राई एंड मेक बच्चे, हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे नागरिक बने, मोर देन यू नो एक अच्छा इंसान बने। तो हम उनकी बहुत सारी काउंसलिंग्स करते हैं, चाहे वो उनकी मेंटल काउंसलिंग हो, चाहे उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग हो, या उनके कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, हम वो सब भी करते हैं। तो ये अचीवमेंट भी है, ये हमारे लिए एक हिंड्रेंस भी हो जाती है, बट वी आर वेरी हैप्पी टू हैव सनशाइन सोसाइटी डूइंग सो वेल। एक्चुअली हम लोग जो सारे मेम्बर्स हैं, कोई एडवोकेट है, कोई फाइनेंस में है, एंड नन ऑफ अस टेक एनी मनी। तो बहुत अच्छी एक लाइक माइंडेड ग्रुप है हमारा। वी हैव वैशाली जोशी, देन वी हैव विद्या, अर्चना, मीना, ये सब लोग इतनी शिद्दत से काम करते हैं कि हमको कभी कोई एक प्रॉब्लम आती भी है तो कोई ना कोई एक जना खड़ा होकर बोल देता है कोई बात नहीं इसको मैं टैकल कर लूँगी। तो हम लोग बहुत अच्छे से हैंड इन हैंड चलते हैं। एंड आप प्रेजिडेंट विद्या, शी इज़ ऑल्सो वेरी एंटरप्राइजिंग, देन वैशाली जोशी, शी इज़ ऑल्सो उनका तो मतलब मेरे को लगता है ज़िंदगी का एक सिर्फ एक चीज़ है, एक बच्चा है, वो सनशाइन है। तो इतने शिद्दत वाले लोग जब होते हैं तो काम हो ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, टेन समय कितने समय देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।